Hello everyone, I'm Rathi and I'm back with another question of chapter number 13, Hydrocarbons. In this video, I will be explaining you question number 19 and it's on page number 397. It's class 12. So let's begin with the question first and then with its solution. Question is, why does benzene undergoes electrophilic substitution reaction easily and nucleophilic substitution with difficulty? पूछा गया है कि benzene, why benzene undergoes electrophilic substitution reaction बहुत ज़्यादा easily and why it does not go or it undergoes with very difficulty while there is substitution with nucleophile. ठीक है भाई, simple सी बात है. benzene का structure आप सभी ने देखा होगा. benzene का जो structure होता है, या फिर मैं कहूँ benzene एक प्लानर मॉलिक्यूल है, या बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इट इज प्लानर स्ट्रक्चर. ठीक है, सो जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अबव और बिलो द प्लेन होते हैं. सिंस बेंजीन इज अ प्लानर मॉलिक्यूल और बेंजीन इज हैविंग प्लानर स्ट्रक्चर, सो द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं, वो अबव एंड बिलो द प्लेन होते हैं. इस कंक्लूजन, इस लाइन से, ये जो मैंने आपको बताया, इससे मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है. है ना, बिकॉज अबव एंड बिलो द प्लैनर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, हेंस बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच. अगर बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला और खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो इलेक्ट्रोफाइल विच इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स विल बी हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बेंजीन. ठीक है, बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रोफाइल विल बी हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस बेंजीन और ये इलेक्ट्रोफाइल इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. हेंस वी कैन से बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली हो जाता है. आते हैं न्यूक्लियोफाइल पे. आपको पता है न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है. न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, दैट मीन्स वो खुद बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तभी वो न्यूक्लियस से प्यार करेगा. नहीं, सो न्यूक्लियोफाइल बीइंग हाईली इलेक्ट्रॉन रिच और बेंजीन भी मेरा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, तो ऑब्वियसली दीज टू स्पीशीज व्हेन कम क्लोज विल बी रिपेल्ड. ठीक है, सो आई कैन से न्यूक्लियोफाइल गेट्स रिपेल्ड बाय बेंजीन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन. और आई कैन से सिंस बेंजीन इज हाईली इलेक्ट्रॉन रिच, सो न्यूक्लियोफाइल गेट रिपेल्ड बाय बेंजीन, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच है. तो इसी वजह से, दोनों के दोनों से मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिच है, इसी वजह से बेंजीन जो है इट गोज विद डिफिकल्टी टू हैव अ न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो देयर इज अ डिफिकल्टी इन हैविंग अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद बेंजीन, बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी इजिली डन विद बेंजीन. ठीक है, the basic reason. Now have a look on the board. Benzene is a planar molecule having delocalized electrons above and below the plane of ring. Hence it is electron rich. ठीक है, as a result it is highly attractive to electron deficient species, that is electrophile. Therefore it undergoes electrophilic substitution reaction very easily. Nucleophiles are electron rich, hence they are repelled by benzene. Hence benzene undergoes nucleophilic substitution reaction with difficulty. ठीक है, I hope the reason is very much clear to you कि why benzene undergoes electrophilic substitution reaction very easily and why not undergo easily nucleophilic substitution reaction. Fine, but still if anybody is having any doubt regarding the reason of this question, then please do ask your doubts in the space given below. Don't forget to watch the next video for the next question of this chapter. Do subscribe us, and this brings me to the end of the session. It's Meera Ki saying you all goodbye.